नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दांत में निकला फोड़ा बहुत तकलीफ देह होता है, इससे आपकी सेहत बहुत खराब लगती है। दांतों में फोड़ा मुंह में संक्रमण होने से निकलता है, इससे दांत या मसूड़े में पस हो जाता है। दांतों के अंत में निकलने वाले फोड़े को पेरियापिकल और मसूड़े के फोड़े को पेरियोडोंटल कहते हैं। ज्यादा दिनों तक इसका इलाज नहीं करने पर फोड़े के आसपास की हड्डी और दांत खराब हो जाते हैं, जो कि काफी कष्टदायी होते हैं। दंत फोड़ा चोट पहले किसी दांत संबंधी इलाज के कारण हो सकता है। दांत में जब फोड़ा होता है तो उसके शुरुआती लक्षण हमें दिखने लगते हैं। इसमें दांत और मसूड़ों का दर्द धीरे जबड़ा, कान और गर्दन तक पहुंच जाता है। जिस दांत या मसूड़े में फोड़ा निकलता है उसमें तेज दर्द होता है। अगर इसमें लापरवाही बढ़ती गई तो दर्द जबड़ा, कान और गर्दन तक फैल जाता है। दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि आपको दैनिक काम करने में भी परेशानी हो जाती है, जैसे खाना खाना, सोना, स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना पड़ता है। चेहरे पर सूजन आ जाती है, इससे गर्म या ठंडा खाने में पीने में परेशानी होती है। संक्रमण बढ़ने से पहले आपको डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। दंत फोड़ा के लक्षण जैसे ही प्रतीत हो आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, नहीं तो स्थिति डेंटिस्ट आपके दांत या मसूड़े का एक्सरे करके पता कर लेंगे कि किस जगह पर फोड़ा निकला हुआ है, ताकि उसके संक्रमण को रोका जा सके। लक्षण दिखते ही डेंटिस्ट को दिखाए, उसी से पता चलेगा कि फोड़े और संक्रमण की स्थिति कैसी है और किस विधि में आपके दंत फोड़े को ठीक किया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत या मसूड़े के अंदर की खाली जगह को भरा जा सकता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है दंत फोड़े से किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। दांतों के फोड़े से बचने के लिए इनको स्वस्थ रखना जरूरी है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। खाना खाकर नमक के गुनगुने पानी से मुंह को धोना चाहिए, ताकि खाने का कण आपके मुंह में ना बचे। 3-4 महीने में टूथब्रश को बदलें। आप एंटीसेप्टिक या फ्लोरीनेट माउथवॉश भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके दांत संबंधी रोगों से आपका इलाज किया जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।